सामूहिक दुष्कर्म व हत्या का मामला दर्ज, 6 घंटे बाद खुला जाम, यात्री रहे हलकान। बयाना के थाना डांगोर पर आज एक खेत में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिससे गुस्साए कुशवाहे समाज के लोगों की ओर से कस्बे के गांधी चौक पर लगाया गया था जाम। हिंडोन भरतपुर जयपुर हाईवे रोड पर ही टेंट लगाकर थे धरनार्थी। पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों की कई घंटे की समझाइश व मशक्कत के बाद शाम 5:30 बजे के बाद खुल सका, तब जाकर 6 घंटे से जाम में फंसे वाहन चालकों में अन्य लोगों सहित पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि बयाना के चहल रोड निवासी एक महिला की शत विषक्त लाश थाना डोंग रोड स्थित बाजरे के खेत में मिली थी। यह महिला 3 दिन से गायब थी। जाम लगा रहे लोगों का आरोप था कि इस महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या की गई। दुष्कर्म हत्या में लिप्त बदमाशों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता व एक सरकारी नौकरी दी जाए। जाम लगा रहे लोगों ने मौके पर पहुंचकर भरतपुर के एडीएम आर के यादव को 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंप कर 48 घंटे में समाधान न होने पर 6 सितंबर को फिर से बयाना में चक्का जाम लगाने की चेतावनी दी। इधर भरतपुर के अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र वर्मा ने बताया कि मृतका के पति भवानी कुशवाहा की ओर से एक नामजद आरोपी सुरेंद्र प्रजापति व उसके साथियों के विरुद्ध दी गई रिपोर्ट के अनुसार थाना रुदावल में सामूहिक दुष्कर्म व हत्या का मामला दर्ज कर मृतका का पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। अभी पता कर रहे हैं, भेज दिया तुमको।